श्री मोहम्मद फैजल जी। थैंक यू सो मच मैडम फॉर अलोइंग मी टू पार्टिसिपेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 2022 एंड आई एम थैंकफुल फॉर माय पार्टी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई वाज लिसनिंग टू द ऑनरेबल मिनिस्टर्स इंट्रोडक्टरी स्पीच एंड ही वाज वेरी voraciously he was telling that these bills are for the development upliftment of the scheduled caste and scheduled tribe people across the country. My first introduction I would like to say that I am very well supporting this bill, there is no doubt on this. Our party is also on the support of it. At the same time, what Mr. Raja have told here, same thing I would like to reiterate here. See, being a member of parliament from Lakshadweep, this is my second term. I also had same issue that this is a totally a very simple issue. This is I was listening to my colleagues talking about including a group of community for this, but my point is that in Lakshadweep there are nearly 3,000 children whose either father or mother belong to scheduled tribe. Father or mother belong to scheduled tribe, but since the act is saying that if to the offspring, if scheduled tribe status should be granted, both the parents should belong to scheduled tribe. Because of that, now the fate of those children in Lakshadweep, nearly 3,000 ki aas pass hai sir, aaj unko na scheduled tribe kaha ja sakta hai, na scheduled caste kaha sakta hai, OBC nahi kaha sakta hai, aur inke liye jo educational aids dena chahte hain wo bhi nahi de pa raha hai, employments ke liye jo unki reservation hota hai wo nahi ho raha hai, kyunki ye aapse pehle jo उज्ज्वल ओराम जी थे तब भी मैंने ये पत्र लिखा था लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं जहां तक मैं जानता हूं उसके लिए प्रपोजल भी भेजे गए थे। तो जब ऐसी एक अमेंडमेंट लेके आता है तो मैंने मेरे माननीय मंत्री जी से और गवर्नमेंट से गुजारिश ये होगा कि ये पूरी इंडिया को मद्देनजर रखते हुए जहां तक ऐसे ऐसे कौन सी सफर कर रहा है, कौन कौन सी एरिया में शेड्यूल ट्राइब की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सबको साथ में लेकर अगर एक बिल, एक कॉम्पोजिट, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैन इंडिया बिल अगर लाते तो इसका हम पूरी सपोर्ट हम कर सकता था सर। आज भी अब लेट नहीं है सर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा सर, लक्षद्वीप की इशू है, ऐसे सारे सब जगह पे इशू होता है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, सब जगह पे अपने पे डिमांड है, तो इस डिमांड को एक कंसोलिडेट करके सर जिनको दर्जा देना चाहिए उसकी स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्टिव में है, तो वो सारी चीजें आप एक बार मद्देनजर रखते हुए इस सारी चीज को, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग दी आजादी की अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज भी वी आर ब्रिंगिंग इन पीस मील, लाइक आज त्रिपुरा का हो गया, कल यूपी का हो रहा है, परसों कई तमिलनाडु का होगा, फिर महाराष्ट्र का होगा, ऐसी चीजें लाने से अच्छा होगा कि एक साथ मिलकर कहां कहां इशू पॉलिटिकली वी कीप सेट बिकॉज दिस इज फॉर अवर फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, क्योंकि जिनको मिलना चाहिए जो वो देने के लिए आप कृपया इसका कष्ट उठाए, ये मेरी पहली इंट्रोडक्टरी रिक्वेस्ट आपसे है। दूसरा है सर, आप डेवलपमेंट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में आपने बताया कि एक बॉर्डरिंग स्टेट है हमारा लक्षद्वीप का। सर पिछले एक साल से लक्षद्वीप में अगर आप बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितना जनरेट हुआ, अगर पूछेंगे एक भी जनरेट नहीं हुआ, उसके बावजूद उसके साथ क्या क्या हुआ, मतलब 2000 के ऊपर जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता था, प्राइवेट सेक्टर छोड़ दे, प्राइवेट सेक्टर उतना कम है, गवर्नमेंट सेक्टर में 2000 के आसपास, यानी कि डॉक्टर से लेके पंचायत की कर्मचारी तक जिनको कॉन्ट्रैक्ट और कैशुअल लेबर कहा जाता है, 2000 के ऊपर लोगों को रिटेंच कर चुका है। इसकी आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा सर, एक महीने में लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था से 2.5 करोड़ रुपी वहां से हट गया, यानी कि इकोनॉमिक सर्कल से लक्षद्वीप से 2.5 रुपी अगर एक महीना हटता है, एक छोटी जगह जहां की आबादी है 70,000, वहां से 2.5 करोड़ रुपीज की अर्थव्यवस्था से हट जाता है तो वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आप नजर आपको अंदाज लगा सकता है ना, वहां पे दुकान घर बनाना, बच्चों के एजुकेशन के लिए सब जगह, अब इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है कि लोग अपने डीमोटिवेट होने लगे हैं, बच्चों के एजुकेशन को देकर, स्कॉलरशिप
जिनको टाइमली मिलता था, अभी एक साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। दूसरा, अगर छोटे मोटे दुकान की परमिशन लाइसेंस को लेकर, लाइसेंस की परमिशन रिन्यू करने के लिए जो पंचायत को दिया गया था, वो पंचायत से वो अधिकार पूरा लेके वापस डीएम के पास लेके गया। पंचायत को जो परमिशन कॉन्स्टिट्यूशनली दिया, 5 और डिपार्टमेंट का पावर पंचायत को दिया, वो पूरी वापस लेके डीएम के पास लेके गया, तो न रिन्यूअल नहीं हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ा इश्यू है सर, वहां की लैंड मास 32 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से आज लक्षद्वीप की, मैंने एक चिट्ठी भी लिखा हूं सर आपको और एसटी कमीशन को, सबको लिखा, 52,000 लाख स्क्वायर मीटर लैंड का एक्विजिशन के लिए विदाउट एनी प्रॉपर लैंड एक्विजिशन एक्ट की 2013 का जो एक्ट के हिसाब से, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, जो करना चाहता उस बिना कुछ प्रोसेस के 52,000 लाख स्क्वायर मीटर लैंड कब्जा करने के लिए, वो भी गरीबों की, पिछड़ों की, शेड्यूल ट्राइब की, पूरी इतनी लैंड कब्जा करने की नोटिफिकेशन हो चुका है सर। तो आप अगर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, आप अगर एसटी कम्युनिटी की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट एक कमिटी लक्षद्वीप में जाके वो आज देख ले क्या हो रहा है सर। सर मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। मेरी पहली रिक्वेस्ट वही था कि लक्षद्वीप में जो बच्चे अभी 3000 के आसपास जो बच्चे एसटी सर्टिफिकेट से डिप्राइव्ड है, उनके प्रपोजल को आप मद्देनजर रख दे, उनको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए। थैंक यू सो मच। श्री हसनैन मसूदी जी।